अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे बेटे को बीच में लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। बीच में वो आ गया है और अब आप देखिएगा कि आगे क्या होता है ना? अभी शादी नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है इस समय हमारा ये कहना कि हमें शिव और शक्ति के रिश्ते से कोई निकट नहीं है सही होगा क्या? रघुनाथ, आज नहीं तो कल इनसे रिश्ते की बात तो हमें करनी ही थी। हाँ, मैं मानती हूँ ये मौका सही नहीं है। हो सकता है ईश्वर की यही मर्जी हो। इससे पहले कि बच्चों पे कोई और दाग लगे हमें रिश्ते की बात कर लेनी चाहिए। हो सकता है तब पंडित जी और पंडिताइन भी शांत हो जाए। क्यों छोटे, हम सही कह रहे हैं ना? हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जिस तरह से ये लोग शिव और शक्ति पे दाग लगा रहे हैं मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप अभी उनसे बात कर लीजिए रिश्ते के बारे में, क्योंकि माँ कहीं ऐसा ना हो जाए कि शिव शक्ति की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। छोटी भाभी बात करने के लिए कह रही है इसका मतलब है कि बात नहीं करनी चाहिए। अम्मा बात मत कीजिएगा। नंदू जी, बेटा तू शिव के पास ही रहना। ओके। शादी की बात करने जा रहे हैं। शादी तो दूर, अब ये लोग एक दूसरे के परिवार वालों की शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे। अब आएगा मजा। बनने चली थी समधन, अब बन जाएगी एक दूसरे की दुश्मन। पंडित जी, पंडिताइन, मैं सिर्फ आपसे यह कह माफ कीजिए, आप बड़े आदमी होंगे पर आप इस बीच में मत पड़िए। कहा है कि मामला हमारे और इनके परिवार के बीच का है, और आज जो ये परिवार एक दूसरे पे थू थू कर रहा है उसका मूल कारण आपका ये बेटा है। समान समान के बात करो। मेरे बेटे को बीच में लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। बीच में वो आ गया है और अब आप देखिएगा कि आगे क्या होता है ना? अभी शादी नहीं हो सकती। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।